हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौन सा। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप टेक्निकल एनालिसिस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं आपके ऑप्शन ट्रेडिंग में, या फिर मैं ये कहूंगा कि कैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस में एंड आप एक बेटर रिटर्न कमा सकते हैं मार्केट में। तो देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग आप उसे ऐसा मत देखिए कि आप 10 वाला ऑप्शन खरीद लेंगे एक्सपायरी डे पर आउट ऑफ द मनी का, वो डबल हो जाएगा, आपका पैसा डबल हो जाएगा एंड आप एग्जिट ले लेंगे मार्केट से, राइट? सो लेट्स फेस द फैक्ट कि इट इज नॉट एज सिंपल एज हम देखते हैं किसी के यहाँ पर, राइट? बट ऑप्शन ट्रेडिंग इट इज मोर लाइक अ प्रोसेस कि हम हमारा स्ट्रेटजीज पे भी ज्यादा काम कर सकते हैं। इसका मतलब यह है, लेट्स से कि आपका कोई टेक्निकल इंडिकेटर है जो आपको 60% स्ट्राइक रेट दे रहा है, ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो 60% टाइम सही जा रहा है, राइट? 60% ऑफ द टाइम इट इज गोइंग राइट, सो लॉजिकली यू शुड बी मेकिंग मनी, राइट? अगर आप फिर भी पैसा नहीं कमा पा रहे, देन प्रॉब्लम आपका टेक्निकल सिस्टम में नहीं है। वो तो आप कोई भी पकड़ लीजिए टेक्निकल सिस्टम, 60-70% भी आएगा, स्टिल यू माइट एंड अप मेकिंग लॉस, क्योंकि तकलीफ इज इन योर स्ट्रैटेजी। आपका जो प्रॉब्लम है वो स्ट्रैटेजी में है। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम अलग अलग इंडिकेटर्स पे कौन सा अलग अलग स्ट्रैटेजी हम डिप्लॉय कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है? सो मैं कोई ऐसा यूनिक या अननोन इंडिकेटर नहीं बताऊंगा, मोस्ट ऑफ द चीजें आपको पता ही है, बट स्ट्रैटेजी कैसे पिक करना है, कैसे हम हमारा रिवॉर्ड टू रिस्क एक मैथमेटिकल एज कैसे लाना है, वो हम सीखेंगे आज के वीडियो के थ्रू, ठीक है? इन सिंपल वर्ड्स हमारा आइडिया ये है कि किस तरीके से आप स्टैटिस्टिकल एज ला पाए आपके ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस यूज करके। सो शुरू करते हैं, ठीक है? तो चार्ट्स में आया हूं मैं। तो बाय द वे, आप चार्ट्स यहाँ पर हर एक कोई एक्सेस कर सकता है हमारे एप्लीकेशन में जिसने भी साइन अप किया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आई कार्ड में भी यहाँ पर होगा, ठीक है? तो देखिए, अभी मैं यहाँ पर एक सिंपल सा इंडिकेटर यूज करता हूँ जिसका नाम है MACD, ओके? तो बहुत ही सिंपल सा सेटअप है ये, ठीक है? तो ये 26 एंड 12 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है उनके, ये मूविंग एवरेज के डिफरेंस पे प्लॉट होता है एंड फिर वो जो डिफरेंस आया है उसका एक 9 पीरियड का मूविंग एवरेज लिया जाता है एंड देन हमको पता लगता है, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ कि हाउ वी विल यूज इट। तो लेट मी जस्ट चेंज द कलर, ठीक है? हिस्टोग्राम आई थिंक इट इज ओके, लेट्स से येलो, ठीक है? MACD को कर देते हैं, लेट्स से दिस, ओके? आई थिंक दिस इज विजिबल। सिग्नल को कर देते हैं, लेट्स से ग्रीन, तो ग्रीन तो नहीं दिख रहा है, से ये पीला कर देता है, बट स्टिल लेट मी जस्ट चेंज दिस टू मे बी रेड, मी इंक्रीज द थिकनेस। Hey traders, QuantsApp has simplified option trading analytics for you. Click the link in the description box below, complete your sign up process and access the most advanced option analytical tools in the entire industry. Thank you. So, अभी ट्रेड सेटअप देखिए बहुत सिंपल है कि जब भी ये हिस्टोग्राम पर, ओके, ये हिस्टोग्राम पर जब भी एक ऊपर साइड पे ये हिस्टोग्राम फॉर्म होने लग जाते हैं ना, जैसे ये बार जो है वो इस तरीके से फॉर्म होने लग जाता है, दैट मींस वहां पर एक बाय सिग्नल आ चुका है, ठीक है? हमको निफ्टी में तेजी करना है। सिंपल है, कोई भी अपने स्टॉक पर लगाया, कहीं पर भी लगाया, ये तो सिंपल सा सेटअप है। ये काफी लोगों को पता भी होगा कि यहाँ पर आपको एक तेजी का सौदा बिठाना है, जहां कहीं पर भी एक नेगेटिव हिस्टोग्राम फॉर्म हो रहा है, राइट? जहां कहीं पर भी एक नेगेटिव हिस्टोग्राम फॉर्म हो रहा है, मतलब कि जो मोमेंटम है वो नेगेटिव साइड का बन रहा है, मंदी का बन रहा है, वहां पर एक मंदी के साइड का ट्रेड लेना है, ठीक है? एग्जिट कहाँ कर सकते हैं आप? तो एग्जिट का फंडा बहुत सिंपल है। एग्जिट का फंडा ये है कि अगर आपने सेल साइड का ट्रेड लिया, यानी कि ये ट्रेड लिया है आपने, यहाँ पर ट्रेड लिया है, तो जैसे ही एक पॉजिटिव यानी कि ऊपर हिस्टोग्राम फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, तब आपको निकाल देना है पोजीशन को, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस आप और चीजें भी यूज कर सकते हैं ट्रेड मैनेज करने के लिए, जो है सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है? एक 20 पीरियड का, ये मैं कह रहा हूँ 20 पीरियड का मूविंग एवरेज, आप आपके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना? सब कुछ स्टैगनेंट नहीं है। तो देखिए, इसका मूविंग एवरेज का फायदा ये हो जाएगा कि लेट से आपने यहाँ पर एक कहीं पर बाय बना दिया, ठीक है? लेट से यू फॉर्म्ड अ बाय समवेयर ओवर हियर,
तो आप क्या कर सकते हैं, ये इसे क्रूज करते रह सकते हैं, पहला ये मूविंग एवरेज के नीचे बंद होता है तभी तक, दैट इज द फर्स्ट एग्जिट कंडीशन, या तो फिर ये नेगेटिव हिस्टोग्राम फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी चीज पहले आता है तब तक आप इसे, ये ट्रेड को कैरी कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट सेटअप जो आप यूज कर सकते हैं। सिंपल है, हिस्टोग्राम ऊपर जाएगा तेजी का सौदा बनाना है, हिस्टोग्राम नीचे जाएगा तो आपको मंदी का सौदा बनाना है। ठीक है, अभी एक और चीज बताता हूं मैं आपको जो है पिवट। तो इसे थोड़ा प्रिफाइन कर सकते हैं विद पिवट जो मैं जनरली करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी सिंपल है, देखिए यहाँ पर ये कौन से बार फॉर्म हुए हिस्टोग्राम के ऊपर साइड, यानी कि तेजी का ट्रेड बनाना है। तो यहाँ पर सिंपल है मेरा 17600 के आसपास एक अप ऊपर तक का लेवल हमको देखने मिल सकता है प्रोबेबली, राइट। एंड यू नो यहाँ पर ये नीचे बाजू पे 17100 के आसपास तक का हमको डाउन मूव देखने मिल सकता है। ठीक है, तो आपको देखिए लेवल भी मिल जाएगा, टारगेट भी मिल जाएगा, स्टॉप लॉस भी मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई एक कंजर्वेटिव ट्रेडर है, डिफेंसिव ट्रेडर है, तो 17270 ये स्टॉप लॉस बना करके हम इसमें भी ट्रेड बना सकते हैं। तो सिंपल सा सेटअप है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं। बट अभी इससे हमको एज क्या आएगा, ठीक है, इससे एज हमको ये आएगा कि आपको पता है टारगेट क्या है, आपको पता है स्टॉप लॉस क्या है। तो 17 लेट्स से 250 हम एक स्टॉप लॉस रख लेते हैं ये लो के नीचे, 17200 रख लेते हैं फॉर अ सेफर साइड, है ना, ताकि हम ज्यादा पैसा ना खो पाए। तो हम देखते हैं पहले तो ये स्ट्रैटेजी पे, अगर आप सिंपल लॉन्ग कॉल डिप्लॉय करते हैं, यानी कि सिर्फ कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, तो आपको कितना पे ऑफ क्या लेवल पर आ सकता है। ठीक है, तो आई थिंक द सेटअप इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो आर्किटेक्ट में आते हैं, कस्टम स्ट्रैटेजी, ये वीकली एक्सपायरी का लेट्स से 17400 का कॉल ऑप्शन हम खरीदते हैं। ओके, तो ये बेसिकली आपको बता रहा है कि क्या लेवल पर आपको कितना पैसा आ रहा है ये स्ट्रैटेजी में से, या कितना पैसा आपसे स्ट्रैटेजी लेके जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर लेवल मेंशन है, यानी कि निफ्टी का क्या लेवल पर आपको कितना प्रॉफिट आएगा या जाएगा, वो चीज आपको ये बता रहा है। ओके, तो ये सिंपल सा पोजिशन है मेरा विच इज लॉन्ग कॉल, यानी कि मैंने सिर्फ एक कॉल ऑप्शन बाई किया है। ठीक है, तो अभी एक बार टारगेट एंड स्टॉप लॉस देख लेते हैं हमारा। सो लेट्स से 17600 मोटा मोटा निकल के आ रहा है, एंड 17200 ऑन द डाउन साइड, जो मैं लो है वो पकड़ के चल रहा हूँ। तो एक बार प्रिसाइजली जाकर देखते हैं, तो लोअर एंड अपर बाउंड क्या करेगा, ये जो पूरा ग्राफ है जितना मैं चाहूँ उतना ही मैं एनालाइज करना चाहता हूँ, तो वो आप यहाँ पर लोअर एंड अपर बाउंड में डाल सकते हैं। लोअर बाउंड में कह रहा हूँ 17200, ठीक है, वहां तक का मुझे एनालिसिस करना है कि वो जोन में कितना पैसा आएगा, एंड ऊपर बाजू 17600, ठीक है, एंड ये मैंने कर दिया इसे सेव। ठीक है, एंड अभी ये टेबुलर व्यू पे मैं जाता हूँ, तो 17200 पर अगर आप देखेंगे एक्सपायरी तक, तो मुझे 3300 रुपये का नुकसान होगा, और एक्सपायरी तक अगर मैं होल्ड करता हूँ, ठीक है, तो 6700 रुपये का मुझे प्रॉफिट होगा ये स्ट्रैटेजी में, विच इज फेयरली गुड, है ना, टू बी ऑनेस्ट, ये अच्छा डिसेंट है, 2:1 रिवॉर्ड टू रिस्क। तो देखिए ऑप्शंस में अगर एक आपको लॉन्ग कॉल, ठीक है, ये क्रक्स है, ये जो पूरा वीडियो है उसका ये क्रक्स है, तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज, कि ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी आपका टेक्निकल सिस्टम हो, एंड अगर आपको रिवॉर्ड टू रिस्क मिलता है 2:1, यानी कि आप रिवॉर्ड कमा रहे हैं 2 रुपया, और जब आप खो रहे हैं तो 1 रुपया, तो एक ठीक ठाक स्ट्रैटेजी है। ठीक है, बढ़िया स्ट्रैटेजी है, उसमें ज्यादा कुछ गड़बड़ है नहीं, आप उसे ऑप्टिमाइज ऑब्वियसली कर सकते हैं, बट दिस इज रिलेटिवली अ गुड स्ट्रैटेजी। अगर 1:1 या उससे कम आ रहा है ऑप्शंस बाइंग में, देन वहां पर गड़बड़ है, ठीक है, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम इन दैट स्ट्रैटेजी। हो सकता है कि वो स्ट्रैटेजी अगर आप अगेन एंड अगेन यूज करें तो आपको पैसा ना बने लॉन्ग में। ठीक है, सो इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, तो एक चीज करके देखिए, हमेशा एक बुल कॉल स्प्रेड में इसे कन्वर्ट करके देखें। ठीक है, बुल कॉल स्प्रेड क्या है, आपने एट द मनी खरीदा है, अभी 17400 एट द मनी है वो खरीदा है, टारगेट क्या है आपका 17600, तो जो भी आपका टारगेट है ना, वो वाला ऑप्शन एक बार बेच कर देखिए कि क्या ये बेटर हो रहा है, अगर बेटर होता है तो अच्छा बात है, नहीं तो लॉन्ग कॉल इज अ बेटर ऑप्शन। तो नुकसान तो कम हुआ 2970, प्रॉफिट भी बढ़ा 7030। सो देखिए ये सिंपल सा स्टेप लेकर के, यू नो 6600 से लेकर 7030 का जो 400 रुपये का डिफरेंस है ना, वो एक टाइम के लिए बहुत छोटा डिफरेंस है, राइट, एक लॉट पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो बहुत छोटा डिफरेंस है। इमेजिन करते हैं कि आप 100 लॉट पर ट्रेड करते हैं, 10 लॉट पर ट्रेड करते हैं, देन इमेजिन द इम्पैक्ट दैट यू आर गेटिंग टू विन, पहला। दूसरा चीज, जो आपने ये नुकसान कम किया ना, मान लेते हैं आपका स्टॉप लॉस हुआ ना 10 बार, तो आप 4000 रुपया कम कोएंगे अगर आप 10 लॉट पे ट्रेड कर रहे हो, तो
तो द सक्सेसफुल ट्रेडर्स दे आर ट्राइंग टू कैप्चर दिस एज एन एज, ठीक है, ये एज है। देखिए आप बाजार को पूरा प्रेडिक्ट कर भी लेंगे 100%, लेकिन आपका स्ट्रेटेजी में आपको रिवॉर्ड टू रिस्क नहीं मिल रहा है, नेगेटिव रिवॉर्ड टू रिस्क मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, राइट? सो दैट इज द रीजन, ऑलवेज कम इन आर्किटेक्ट, एक बार चेक करें, है ना। इट विल टेक हार्डली फ्यू सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स का आपका टाइम जाएगा ये देखने में कि क्या लॉन्ग कॉल बेटर है या बुल कॉल स्प्रेड बेटर है, ठीक है। जवाब जो भी आता है, द डिसीजन इज योर्स। अभी देखिए, अगर मैं होता तो द रीजन आई विल पिक अप बुल कॉल स्प्रेड इन दिस सिनेरियो इज 3,000 का ही नुकसान होगा, और जाएगा आएगा तो 7,000 आएगा, राइट? सो दैट इज बेटर देन 1:1 फॉर मी, है ना, 2:1 फॉर मी, 2:1 से भी ज्यादा मुझे यहाँ पर पैसा मिल रहा है। सो इसीलिए आई विल प्रिफर गोइंग बुल कॉल स्प्रेड इन दिस सिनेरियो, ठीक है। तो एक एक और बार समराइज करते हैं दी एंटायर थिंग कि हमने क्या सीखा। तो हमने सीखा सिंपल MACD, नथिंग नथिंग कॉम्प्लेक्स इन दिस। ये ऊपर जाता है, ठीक है, हिस्टोग्राम्स, तभी हमको एक तेजी का सौदा बनाना है। हिस्टोग्राम नीचे रहता है, हमको एक मंदी का सौदा बनाना है, ठीक है। दिस इज द सिंपल सेटअप व्हाट यू कैन लुक फॉर इन अ MACD, ठीक है। अभी इसमें ट्रेड को मैनेज करने के लिए अलग अलग तरीका है। पहला एक मूविंग एवरेज, 20 पीरियड मूविंग एवरेज आप लगा सकते हैं, वो या तो फिर ये नेगेटिव क्रॉस ओवर ऑफ मूविंग एवरेज, ठीक है, हिस्टोग्राम नीचे फॉर्म हुए हैं तो आप एग्जिट ले सकते हैं उसमें, यानी कि ऑपोजिट हिस्टोग्राम फॉर्म हुए तब आप एग्जिट ले सकते हैं। फिर सवाल आता है टारगेट एंड स्टॉप लॉस, तो आप पिवट के जैसा कुछ सिस्टम यूज कर सकते हैं जहां से आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस निकल करके आएगा। बट मैं स्टॉप लॉस कैसे निकालता हूँ, जो भी एक रिसेंट लो बनता है निफ्टी का, राइट, वो एक स्टॉप लॉस कंसिडर करके हम उसमें क्रूज कर सकते हैं ट्रेड को। अभी तकलीफ क्या हुआ, तकलीफ ये हुआ कि अगर हम लॉन्ग कॉल करते हैं तो हमको ठीक ठाक तो रिवॉर्ड टू रिस्क दे रहा था, बट इन मार्केट यू शुड ऑलवेज एम फॉर समथिंग मोर। एक एडिशनल अल्फा जनरेट करेंगे तब जाकर के आपको लॉन्ग रन में कुछ बनेगा ना, तो इसीलिए हमने वो स्ट्रेटेजी को कन्वर्ट कर दिया बुल कॉल स्प्रेड में। तो बुल कॉल स्प्रेड में हमारे को जो रिवॉर्ड टू रिस्क आया वो आया 2:1 से भी ज्यादा। तो अगर मैं डिलीट करता हूँ एक बार ये, तो 3,300 जहां मैं खो रहा हूँ लॉन्ग कॉल में, एंड 6,700 जहां मैं कमा रहा हूँ, एक सिंपल सा एडजस्टमेंट, यानी कि जो भी मेरा टारगेट है, ये ध्यान से सुनिए, जो भी मेरा टारगेट है, अगर बुल कॉल स्प्रेड में मैं ये देखता होता कि मार्केट 17,800 जाएगा तो मैं 17,800 बेचूंगा, मेरा टारगेट है 17,600 तो मैं 17,600 बेच रहा हूँ, जिसके वजह से मेरा लॉस में से 300 रुपया कम हो गया एंड मेरा प्रॉफिट में 300 350 रुपए के आसपास बढ़ गया। तो मैं जब खोऊंगा तब कम खोऊंगा, जब कमाऊंगा तब ज्यादा कमाऊंगा। एंड देखिए, दिस आर द थिंग्स विच विल हेल्प यू इन बिकमिंग बेटर ट्रेडर। नहीं तो पूरा दुनिया को यही जानना है ना कि निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ जाने वाला है, बट ट्राई टू गेट एन एज, राइट? आपका जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके ऊपर ये फॉलो करे, एंड ओवर द पीरियड, एक या दो ट्रेड में नहीं पता लगेगा बट ओवर द पीरियड इट विल वर्क वंडर्स फॉर यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।